आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग या गंभीर समझ। देखिए, एक प्रकार से गंभीर समझ है आलोचनात्मक समझ भी कहते हैं। आमतौर में शिक्षा में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जिसके सोच के लिए एक मूड को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए एक आवश्यक उपकरण होता है, जो विभिन्न स्टेज पर आधारित होता है। नंबर एक, यह विचारों, मुद्दों या स्रोतों की परीक्षा के माध्यम से एक संवेदनशील स्थिति में पहुंच जाता है। यह विभिन्न विचारों और पदों का विश्लेषण करने, उनका मूल्यांकन करने की क्षमता के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट होगा कि आलोचनात्मक समझ विश्लेषणात्मक और स्वतंत्र विचारों के माध्यम से विकसित होती है और इसे शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व भी माना जाता है। क्योंकि छात्रों को उच्च और आगे की शिक्षा के लिए हमें प्रगति पर ले जाना है। अगला पॉइंट होगा, यह एक आसान अवधारणा नहीं है कि इसके लिए संवाद करना एक निष्क्रिय बात नहीं मानी जाती है। जो हम करते हैं या सक्रिय जोड़ने के बारे में सोचते हैं सक्रिय रूप से, इसलिए आसान अवधारणा नहीं है। अगला पॉइंट है, यह सोचने का एक तरीका है और इस तरह यह बाहरी अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, समझे। फिर भी इसे संश्लेषित करने के लिए बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण समझ की अभिव्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक भाषण, अकादमिक लेखन, रचनात्मक गद्य या कविता या दृश्य परिणामों सहित विभिन्न रूप ले सकती है। दूसरी बात इसमें ये होती है, जैसे भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश कहा जाता है, तो विभिन्न संस्कृतियों में इसका रूप भी अलग अलग होता है, हो सकता है, और महत्वपूर्ण परिणामों का आकलन करते समय इस चीज को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट होगा,
इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ नकारात्मक अर्थ में नहीं है, बल्कि यह सोचने की एक प्रक्रिया को रेखांकित करता है, एक मॉडल बना देता है। एक जटिल समस्या या विचारों के कठिन सेट को तैयार करने के और समझने की प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण समझ का उपयोग किया जाता है। दुनिया के बारे में एक प्रकार से एक प्रतिबिंबित करने की एक प्रतिक्रिया माना जाता है। अगला पॉइंट है आलोचनात्मक समझ की धारणा का संबंध उचित चिंतनशील सोच से है। उचित चिंतनशील सोच यह तय करने पर केंद्रित है कि क्या विश्वास करना है और क्या सरल करना है। आलोचनात्मक सोच को विचार के बारे में सोचने के रूप में वर्णित किया गया है। विशेष रूप से जॉन डीवी ने अपने एक प्रशिक्षण में इस समस्या के संबंध में बताया कि गंभीर समझ की बहुलता की धारणा में इसकी जड़ें हैं। कई दृष्टिकोणों, तरीकों और व्याख्याओं का विचार जिसमें संवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। अगला पॉइंट होगा इसमें जिसको पाउलो फियर, एक ब्राजील के शिक्षक और सिद्धांतकार भी थे, तो इन्होंने कहा कि एक शैक्षिक या शैक्षणिक अर्थों में यह बारीकी से गंभीर चेतना के लिए शिक्षा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ। केवल संवाद जिसके लिए महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता होती है, वह भी महत्वपूर्ण सोच उत्पन्न करने में सक्षम। संवाद के बिना संचार नहीं होता और संचार के बिना संवाद नहीं हो सकता। तो संचार के बिना कोई भी सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती है। संचार, संचार यानी फैलना, फैलाना। नेक्स्ट फिर